आज का अपना टॉपिक है स्टोइकियोमेट्रिक, स्टोइकियोमेट्री राइट। प्रोसीड करेंगे हम लोग थोड़ा फास्ट और थोड़ा कंसाइज वे में कि सर स्टोइकियोमेट्री के लिए अगर हम लोग बर्निंग इक्वेशन ऑफ मीथेन से इसको समझते हैं राइट। बर्निंग इक्वेशन ऑफ मीथेन, इफ यू कंसिडर बर्निंग इक्वेशन ऑफ मीथेन, इट इज लाइक CH4+O2 गिव्स CO2+H2 एंड यू बैलेंस इट, देयर टू 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 फोर फोर हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बिकम्स फोर, सो देयर ऑल्सो राइट। सो इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। यहाँ अगर हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट की बात करेंगे तो यहाँ स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट 1 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट 2 है, इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट 1 है और इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट 2 है राइट। ये जो मल्टीपल में होता है उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट नाम दे रहे हैं राइट। तो इसको इंटरप्रेट करने के लिए हमारे पास कितने तरीका है। एदर वी डील दिस इक्वेशन इन मोल मोल इन द फॉर्म ऑफ मोल 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 रिलेशनशिप राइट। वी कैन राइट कि सर 1 मोल ऑफ मीथेन, 1 मोल ऑफ मीथेन बर्न्स इन प्रेजेंस ऑफ हाउ मच, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन, 2 मोल ऑफ ऑक्सीजन ओ टू राइट। टू गिव 1 मोल ऑफ सीओ टू, 1 मोल ऑफ सीओ टू एंड 2 मोल ऑफ वाटर, 2 मोल ऑफ एच टू, 2 मोल ऑफ एच टू करेक्ट। सही है सर। सर इसको हम लोग इंटरप्रेट कर सकते हैं मास मास रिलेशनशिप में, लाइक कि सर ये इंटरप्रिटेशन हम तब करते हैं जब हमें मोल्स ऑफ ऑक्सीजन या मोल्स ऑफ मीथेन गिवेन होता है और हमें प्रोडक्ट का अमाउंट मोल्स में ही बताना होता है कि फाइंड आउट हाउ मच मोल्स ऑफ सीओ टू और हाउ मच मोल्स ऑफ वाटर इज फॉर्म, देन वी यूज द मोल मोल रिलेशनशिप। अगर हमें मास गिवेन है राइट कि 48 ग्राम ऑफ मीथेन इज बर्न्स इन सफिशियंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, फाइंड द हाउ मच ग्राम्स ऑफ सीओ टू इज प्रोड्यूस्ड और हाउ मच ग्राम्स ऑफ एच टू ओ इज प्रोड्यूस्ड, इन दैट केस वी डील विद द मास मास रिलेशनशिप। सो वी कैन राइट इट कि सर मोलर मास ऑफ मीथेन इज हाउ मच, 16, 12 प्लस 4 16, सो 16 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स इन 32 इंटू 2 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। सो फॉर कंप्लीट कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन हाउ मच ग्राम ऑफ ओ2 इज रिक्वायर्ड, 64 ग्राम ऑफ ओ2 इज रिक्वायर्ड टू गिव व्हाट इज द मोलर मास ऑफ CO2, 44, सो 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 18 मोलर मास ऑफ वाटर इज 18 एंड 2 मोल, सो 36, सो 36 ग्राम ऑफ H2, दिस इज मास मास रिलेशनशिप। समटाइम्स इट हैपेंस कि सर हम लोग चलिए एक बार पहले वॉल्यूम वॉल्यूम सिमिलर वे कर लेते हैं। वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप अगर हमें डील करना हो कि सर एवरी कंपोनेंट्स मीन्स मीथेन इन गैसेस स्टेट, ऑक्सीजन ऑलरेडी इज इन गैसेस स्टेट, CO2 इन गैसेस स्टेट एंड एट हाई टेम्परेचर, बर्निंग इक्वेशन है तो टेम्परेचर हाई होगा एंड एट हाई टेम्परेचर वाटर इज ऑल्सो इन वेपर फॉर्म और इज गैसियस फॉर्म। सो अगर इसे वॉल्यूम वॉल्यूम रिलेशनशिप में डील करें किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे तो हम ये बोल सकते हैं कि 1 वॉल्यूम ऑफ मिथेन, 1 वॉल्यूम ऑफ मिथेन CH4 बर्न्स इन 2 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 वॉल्यूम ऑफ CO2 एंड
two volume of water. Two volume of water. Or if it is these all parameters are measured at STP, then we can write is a 22 liter of CH4 burns in 22.4 liter of CH4 burns in 44.8 liter of oxygen to give 22.4 liter of CO2 and 44.8 liter of H2 at STP. This is volume relationship. Sometimes ऐसा होता है कि सर मीथेन जो है उसका मोल्स दे देता है ठीक और पूछता है कि हाउ मेनी ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड. अब अपने पास तरीका है कि इफ वी ओनली मस्टर्ड ऑन द मोल मोल रिलेशनशिप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है कि सर अगर आपको मोल्स गिवन है तो आप पहले मोल्स ऑफ CO2 फॉर्म निकाल लीजिए देन उसको आप फिर मास में कन्वर्ट कर लीजिए मोल से मास निकाल लीजिए. लेकिन क्या हम मास से मोल और मास में डायरेक्ट रिलेशन लिख सकते हैं क्या हम स्टोइकोमेट्री को देख करके? तो वो भी हम लिख सकते हैं सर. अगर हमें ये लिखना हो तो हम बोल सकते हैं कि वन मोल ऑफ मीथेन वन मोल ऑफ CH4 बर्न्स इन टू मोल ऑफ O2 टू गिव हाउ मच ग्राम ऑफ CO2 44 ग्राम ऑफ CO2 एंड 36 ग्राम ऑफ कर सकते थे 3 ग्राम ऑफ मीथेन बर्न्स इन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन टू गिव 1 मोल ऑफ CO2 एंड 2 मोल ऑफ वाटर. क्लियर? तो ये सारे जो रिलेशनशिप है सर ये हमें हेल्प करता है कि कैसा डेटा गिवन है क्वेश्चन में और हमें आंसर्स जो निकालने हैं वो किस फॉर्म में निकालने हैं. मीन्स जो गिवन है हमें रिएक्टेंट का इन्फॉर्मेशन और आइदर प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन वो मोल में गिवन है या उसका मास गिवन है या उसका वॉल्यूम गिवन है किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर प्रेशर पे और हमें जो निकालना है जो फाइंड आउट करना है वो उसका ऑप्शन हमारे पास जो प्रोवाइडेड है वो वॉल्यूम में प्रोवाइडेड है या मोल्स में प्रोवाइडेड है या आपका वेट में प्रोवाइडेड ग्राम में प्रोवाइडेड है. इन दैट वे वहां से हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन सा रिलेशनशिप डायरेक्टली अप्लाई करना है और कैसे हमें यूज करना है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट के रिलेशनशिप को. चलिए एक छोटा सा क्वेश्चन हम लोग करते हैं. एग्जाम्पल फर्स्ट 6.5 ग्राम ऑफ KClO3 ठीक KClO3 का मैं मोलर मास मेंशन कर its molar mass is 122.5 okay when heated it decomposed to furnish oxygen. We have to find out how many gram of O2 is produced, right? And second one, what is the volume of O2 is produced at STP? Volume of O2 is produced. At STP. करें? दो तरीका है अपने पास. देखिए इस क्वेश्चन का फर्स्ट डिफिकल्टीज ये है कि वी मस्ट नो द डिकम्पोजिशन इक्वेशन ऑफ KClO3. अगर हम इसको हीट करते हैं तो कोई बच्चा अगर इसको KClO+O2 लिखता है तो सारे इक्वेशन सारे रिएक्शन सारे रिजल्ट जो है उसके वो रॉन्ग आने वाला है. बिकॉज स्टोइकोमेट्री हम हमेशा एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन पे यूज करते हैं. अगर हमारे पास करेक्ट और बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन गिवन नहीं है वी कैन नॉट यूज स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप. राइट? तो सबसे पहले तो ये है सर कि हमें ये इक्वेशन पता होना चाहिए कि KClO3 अगर डिकम्पोज करेगा हीट करने पे तो देता क्या है. तो ये देता है KCl+O2. हाउ वी बैलेंस इट? यहां पे 3 आएगा सर, यहां पे 2 आएगा और यहां पे 2 आएगा. सो पहला स्टेप तो ये है कि हमें ये चीज नोन होना चाहिए, ये हमें परफेक्टली बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन नोन होना चाहिए, देन ओनली वी प्रोसीड थ्रू द स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप. राइट? चलिए अब हमारे पास एक तो यूनिटरी मेथड है. क्या यूनिटरी मेथड है सर? गिवन इंफॉर्मेशन है कि वेट ऑफ KClO3, हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है कि वेट ऑफ KClO3 इज इक्वल टू 367.5 ग्राम एंड मोलर मास ऑफ
KClO3 is equal to 122.5 ग्राम. इस टू इंफॉर्मेशन इज गिवेन, राइट. तो कैसे जाए हम इसमें, कैसे डील करें इसको, देखिए या तो आप मोल्स निकाल लीजिए या फिर आप ये बोल सकते हैं कि सर हमें O2 निकालना है ना, तो हम ये लिख सकते हैं O2 का क्या निकालना है, पहला रिलेशन क्या है, वेट निकालना है ना O2 में, हाउ मेनी ग्राम ऑफ O2 इज प्रोड्यूस्ड. तो वी कैन डील लाइक ऑफ KClO3 122.5 मोलर मास. हियर हाउ मेनी मोल ऑफ KClO3 है, 2 मोल्स. सो वी कैन राइट कि 2 इनटू 122.5 ग्राम ऑफ KClO3. आ रहा है बात समझ में, 2 इंटू 122.5 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूस हाउ मच ग्राम ऑफ O2, सर 3 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2. एनी प्रॉब्लम, कोई इशू है इस स्टेटमेंट में कि सर इसका 2 मोल इसके 3 मोल देते हैं, इसका मोलर मास मुझे पता है 122.5, सो 2 इंटू 122.5 ग्राम टोटल मास ऑफ KClO3 व्हिच प्रोड्यूस 3 मोल्स ऑफ O2, दैट मीन 3 इंटू 32 ग्राम ऑफ O2. ठीक. सो सर एक्चुअली ये है कितना, ये जो वेट ऑफ KClO3 गिवन है ये आई होप मुझे लगता है ये ट्रिपल है, कितना है, सो 367.5 ग्राम ऑफ KClO3 प्रोड्यूस्ड 3 into 32 divided by 2 into 122.5 multiplied by 367.5. कैंसिल कीजिए इसको, कितना आता है, धन है, ये आएगा आपको 16. तो 6 into 9 कितना हो जाएगा, ये 144 ग्राम. अगर ये 144 ग्राम आ गया तो दूसरा क्वेश्चन है, वी हैव टू फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ O2 एट STP. सो वी कैन फाइंड आउट इजीली मोल्स ऑफ O2 इज इक्वल टू 144 ग्राम इज द मास ऑफ O2 प्रोड्यूस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ O2 इज 32. सो हाउ मच मोल इट इज, कितना मोल आएगा जरा बताइए. करेक्ट, राइट है. हमारा चैट सेक्शन नीचे चले जा रहा है, पार्टिसिपेंट सेक्शन हमें देखना इंपॉर्टेंट होता है ताकि फ्लक्चुएशन किस वे में हो रहा है वो पता चले. इसके वजह से मेरा चैट सेक्शन नीचे चला जाता है, मैं चैट सेक्शन देख नहीं पाता हूँ. चिन्मयी साहू 3 टाइम्स और चिन्मयी साहू 4.5. ओके 4.5 9 बाई 2. ओके ठीक है, 9 बाई 2. So what is the volume of O2 at STP? Volume of O2 at STP is equal to 9 by 2 number of moles multiplied by 22.4 liter. It is 11.2, 100.8 liter. तो एक तो अपना ये अप्रोच हो सकता है, एक अल्टरनेटिव अप्रोच अपनाते हैं. देखिए आप लोग किए थे ऐसे, आंसर आया था किसी का ये, और ये बोल सकते हैं कि हमें गिवन क्या है, 367.5 ग्राम ऑफ KClO3. दिस इज द मास ऑफ KClO3 विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. When mass is divided by molar mass, 122.5, we get the number of moles. So 3 moles of KClO3. Okay. अब एक relationship ये है कि सर अगर आप number of moles stoichiometric coefficient से divide कर दें तो थ्रू आउट द केमिकल रिएक्शन ये चीज वैलिड होता है कि मोल्स ऑफ KClO3, मोल ऑफ KClO3 डिवाइडेड बाय
their stoichiometric coefficient is equal to the moles of O2 is equal to the mole of O2 produced divided by their stoichiometric coefficient. This is the relation. Okay, so agar hum aisa karte hain to moles of KClO3, moles of KClO3 is 3 moles. Here we calculate what is the stoichiometric coefficient of KClO3, that is 2. This is equal to moles of O2. We have to find out it. Mole of O2 divided by stoichiometric coefficient is 3. So, kitna aa gaya moles of O2 bataiye? Moles of O2 kitna aa gaya yahan se hame? Moles of O2 aa gaya sir. Mole of O2 is equal to 9/2 mole. Get all the answers. Agar mole aa gaya, so if you have to find the mass of O2, just multiply by the molar mass. And what is the molar mass? That is, aise likh lete hain hum log, 32 multiplied by 32. And volume ke liye kya karenge? Multiplied by 22.4 liter. आ जाएगा ये 9/2 × 3, that is 16 × 9, 144 ग्राम. And here it is 9/2 × 22.4, just we multiplied it, 100.8 liter. These two are the answers. Check it out. Any problem? Yeah. So, क्या किसी भी reactions को given reactions को हम stoichiometry के help से क्या हम ये सारे relationship deal कर पाएंगे? क्या हम mole mole relationship apply कर पाएंगे? क्या हम mass mass relationship apply कर पाएंगे? क्या हम volume volume relationship at given temperature pressure apply कर पाएंगे? क्या हम लोग use कर पाएंगे mass volume relationship directly और moles volume और mole volume and mass mole relationship हम directly apply कर पाएंगे? Okay है ये? बढ़े आगे. यस सर. चलिए सो नेक्स्ट टॉपिक देते हैं हम, नेक्स्ट टर्म्स देते हैं हम लोग, लिमिटिंग रिएजेंट. लिमिटिंग रिएजेंट, व्हाट इज लिमिटिंग रिएजेंट? तो लिमिटिंग रिएजेंट ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शंस में जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाते हैं, जो शॉर्ट अमाउंट, जो स्मॉल अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं. सो रिएजेंट व्हिच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट, क्या बोल सकते हैं इसको? ऐसे रिएजेंट व्हिच गेट कंज्यूम्ड फर्स्ट, जो सबसे पहले कंज्यूम हो जाएगा रिएक्शन में, वो हमारा लिमिटिंग रिएजेंट है इन अ बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. दूसरा टर्म है हमारा इसी से रिलेटेड एक्सेस रिएजेंट. एक्सेस रिएजेंट जो एक्सेस होता है लिमिटिंग रिएजेंट के बाद, जो कंपोनेंट बच गया वो जाहिर सी बात है एक्सेस में है. सो रिएजेंट विच आर इन एक्सेस क्वांटिटी. रिएजेंट विच आर इन एक्सेस क्वांटिटी. डन है ये चीज. चलिए एक एग्जांपल से समझिए. एग्जांपल है अपना हेबर्स प्रोसेस से अमोनिया का फॉर्मेशन. N2+3H2 गिव्स 2NH3, राइट? ये फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया का इक्वेशन है हेबर्स प्रोसेस. कैटलिस्ट भी यूज करते हैं, हमें अभी फिलहाल कैटलिस्ट का कोई काम नहीं है. आपको गिवन है, क्या गिवन है सर? अगर यहां पे दे दिया जाए कि हम 3 मोल N2 ले रहे हैं एंड 5 मोल H2 इज गिवन. 3 मोल N2 एंड 5 मोल H2 इज गिवन. हमें 3 मोल N2 और 5 मोल H2 गिवन है.
हमें पूछा जा रहा है कि हाउ मच मोल्स ऑफ अमोनिया इज फॉर्म्ड। अब हमारे पास क्या तरीका है, देखिए हम लोग इंडिविजुअली कर सकते हैं क्या, क्या हम लोग ऐसे जाएं कि सर नाइट्रोजन से जाते हैं कि कितना अमोनिया बनता है, तो नाइट्रोजन के रिलेशनशिप से अगर हम देखें सर, तो हम ये बोल पाएंगे कि वन मोल N2 गिव्स हाउ मच मोल ऑफ अमोनिया, टू मोल अमोनिया। वन मोल N2 गिव्स टू मोल NH3, नो इशू, ओके सर। सो हाउ मच मोल्स ऑफ अमोनिया इज गिवेन, थ्री मोल्स, ओके। सो थ्री मोल N2 गिव्स 6 मोल NH3। तो सर यहां से हमारा आंसर आया आ रहा है कि NH3 कितना बनना चाहिए, 6 मोल बनना चाहिए। अगर हम इसी चीज को हाइड्रोजन से इंटरप्रेट करने की कोशिश करते हैं, तो हम ये देखते हैं कि सर 3 मोल H2 हाउ मच मोल ऑफ अमोनिया, 2 मोल अमोनिया NH3, ओके। सो 5 मोल H2 कितना अमोनिया प्रोड्यूस करेगा, 5 मोल H2 गिव्स हाउ मच, 2/3 × 5 मीन्स 10/3 मोल अमोनिया। क्लियर है सर, एक ही क्वेश्चंस में अमोनिया का अमाउंट डिफर कैसे आ सकता है, जब हम हाइड्रोजन से जा रहे हैं तो हमें 10/3 मोल आ रहा है, जब हम नाइट्रोजन से जा रहे हैं तो हमें 6 मोल आ रहा है। व्हाट इज द एक्चुअल आंसर, कौन सा आंसर सही है, 6 मोल या 10/3 मोल, कौन सा आंसर सही है और क्यों आ रहा है, ये दो डिफरेंट आंसर्स आ क्यों रहे। तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे कि इसमें से कोई एक कंपोनेंट जो है वो LR है, लिमिटिंग रिएजेंट है, जो पहले रिएक्शंस में कंज्यूम हो जा रहा है। अब जब कभी भी एक कंपोनेंट कंज्यूम हो जाएगा तो प्रोडक्ट बनना रुक जाएगा सर, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। जाहिर सी बात है सर, नाइट्रोजन हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके अमोनिया देता है ना, अगर नाइट्रोजन खत्म हो जाए या हाइड्रोजन खत्म हो जाए तो कोई सिंगल सफिशियंट थोड़ी अमोनिया बनाने के लिए, नाइट्रोजन सिर्फ अमोनिया बना सकता है क्या, हाइड्रोजन अकेले अमोनिया बना सकता है क्या, दोनों का होना जरूरी है। अब अगर हाइड्रोजन या नाइट्रोजन दोनों में से कोई एक कंपोनेंट अगर कंप्लीटली कंज्यूम हो जा रहा है, खत्म हो जा रहा है रिएक्शन में, तो रिएक्शन रुक जाएगा, दूसरा कंपोनेंट बचा हुआ रहेगा, जिस अमाउंट में बचा जो जितना बचेगा वो बचा रहेगा, नो इशू। सो क्या होगा कि एक्सेस रिएजेंट और प्रोडक्ट रिएक्शन मिक्सर में बचा रहेगा और लिमिटिंग रिएजेंट कंज्यूम हो जाएगा। तो मींस ये हुआ कि इस टाइप के रिएक्शंस के लिए, इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए वी हैव टू फर्स्ट फाइंड आउट व्हाट इज द लिमिटिंग रिएजेंट, और उसके बिहाफ पे फिर हम निकालेंगे कि प्रोडक्ट कितना बनना चाहिए और वो आंसर हमारा करेक्ट होगा। सो इसका आंसर 6 मोल होगा या 10/3 मोल होगा, दैट डिसाइडेड बाय द लिमिटिंग रिएजेंट। सर लिमिटिंग रिएजेंट कैसे निकाला जाए, तो अगर इक्वेशंस बहुत इजी है तो हम यूनिटरी मेथड से इसको आसानी से समझ सकते थे कि सर 1 मोल नाइट्रोजन के लिए आपको 3 मोल हाइड्रोजन चाहिए होता था कंप्लीट कंजम्पशन के लिए, 1 मोल नाइट्रोजन कंप्लीटली रिएक्ट विथ 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन, दैट सजेस्टेड बाय फट। अगर आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशियंट को देखें तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 2 है। सो 1 मोल नाइट्रोजन को कंप्लीटली रिएक्ट करने के लिए हाउ मच हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड, 3 मोल हाइड्रोजन इज रिक्वायर्ड। So, 3 मोल नाइट्रोजन, 3 मोल N2 कितने हाइड्रोजन होंगे इसको, तो 3 मोल 3 3 9 मोल H2 रिक्वायर्ड होगा सर, बट H2 दिया कितना है, 5 मोल ही दिया हुआ है, दैट मीन्स हाइड्रोजन इन लिमिटेड अमाउंट, हाइड्रोजन पहले कंज्यूम हो जाएगा और इसीलिए हमें आंसर्स ऐसे डिफरेंट आ रहे हैं। अगर दोनों ही सफिशियंट अमाउंट में लिया जाता, दोनों ही रिक्वायर्ड था उतना लिया जाता, तो आप किसी से भी आंसर पे पहुंचते, अमोनिया पे पहुंचते, तो आपको आंसर सेम आता। अगर 3 मोल नाइट्रोजन लिया गया और हमें 9 मोल हाइड्रोजन देता, तो आप हाइड्रोजन से इंटरप्रेट करिए अमोनिया बनाने के लिए या नाइट्रोजन से करिए, आपको आंसर सेम मिलेगा। तो यहाँ प्रॉब्लम क्या हुआ है, 1 इन लिमिटिंग रिएजेंट LR लिस्ट अमाउंट में प्रेजेंट है। तो अब यहाँ पे क्या तरीका है कि सर यहाँ तो इजी इक्वेशन था, तो आप आसानी से ये कंपेयर कर लिए कि इसके 1 मोल से 3 मोल रिक्वायर्ड रिएक्ट करता है, तो 3 मोल से 9 मोल करना चाहिए था और दिया है 5 मोल, इसीलिए हाइड्रोजन LR है। प्रॉब्लम है कि अगर किसी कंपोनेंट में किसी रिएक्शंस में 3 कंपोनेंट है, 4 रिएक्टेंट है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, किसी 2 इंडिविजुअली कंपेयर पहले करेंगे, फिर देखेंगे इसमें कौन कम आया, फिर उससे तीसरे को कंपेयर करेंगे, फिर उस तीसरे से चौथे को कंपेयर करेंगे, इट बिकम्स वेरी हेक्टिक, इसको ऐसे कंपेयर करना बहुत ही टफ हो जाएगा हमारे लिए। तो सर ऐसे नहीं करते हैं, तो अपने पास तरीका क्या है, तरीका ये है कि गिवन अमाउंट को स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कीजिए और जिसका वैल्यू मिनिमम आता है यू गेट दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। मीन्स ये कि आप क्या करिए कि गिवन बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करिए फॉर LR, फॉर
एलआर फाइंडिंग के लिए, लिमिटिंग रिएजेंट फाइंडिंग के लिए जो गिवन है ना, उस गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट करिए। गिवन मोल लिखता हूं मैं, गिवन मोल बाय स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट, व्हाट इट बिकम्स 3/1, दैट इज 3, इट इज गिवन मोल इज 5, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट इज 3। सो ये आ रहा है 3, इसका आंसर है हमारा 3, और इसका आंसर कितना है, मतलब 1 पॉइंट समथिंग होगा ना, 220, तो 666 समथिंग हो। सो दिस इज मिनिमम एंड दिस इज मैक्सिमम। सो दिस इज LR एंड दिस इज ER, एक्सेस रिएजेंट एंड दिस इज लिमिटिंग। कोई प्रॉब्लम है लिमिटिंग रिएजेंट? ऐसे अगर कई सारे कंपोनेंट होंगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, एक साथ हम ये फाइंड करेंगे और सारे वैल्यू को कंपेयर कर लेंगे, कौन मिनिमम है, जो वैल्यू सबसे मिनिमम होगा उसको हम LR बना देंगे। अब हमारा प्रोडक्ट कितना बनेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द LR। तो हम यहाँ पे ये चीज लिखेंगे कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट, डिपेंड्स ऑन लिमिटिंग रिएजेंट। ये कोई लॉजिक, बहुत बड़ा लॉजिक है क्या सर? एक कंपोनेंट कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन रुक जाएगा, तो रिएक्शन जहां रुकेगा वहां प्रोडक्ट बनना बंद हो जाएगा। तो प्रोडक्ट कितना बना ये किससे डिसाइड करें, हम LR से डिसाइड कीजिए। तो मीन्स जो हम हाइड्रोजन से गए थे ना सर, ये हमारा सही अप्रोच था और 10/3 मोल ही आंसर होगा। सो अब हम अमोनिया फॉर्म्ड, अमाउंट ऑफ अमोनिया फॉर्म और मोल ऑफ NH3 फॉर्म्ड डिपेंड्स ऑन H2, डिपेंड्स ऑन H2। सो हम कैसे जाएंगे, हम जाएंगे H2 गिव 2 मोल ऑफ अमोनिया NH3। हाउ मच मोल इज गिवन इन क्वेश्चन, 5 मोल। सो 5 मोल ऑफ H2 गिव्स हाउ मच मोल, 2/3 × 5, 10/3 मोल अमोनिया NH3। दिस इज द आंसर। क्या लिमिटिंग एजेंट क्लियर है, बोलिए। क्लियर है लिमिटिंग रिएजेंट? कोई प्रॉब्लम, किसी को कोई डॉट है? सर, हाँ सर, कोई डाउट नहीं है सर, कोई डाउट नहीं है सर, वेरी गुड। चलिए, आपको डाउट नहीं है, हमको डाउट है। अब अगर मैं आपको ये पूछूं कि सर यहाँ पे LR फाइंड आउट करने के लिए आपको गिवन में मोल दिया हुआ था 3 मोल 5 मोल, तो आप स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके मिनिमम वैल्यू को LR बोल दिए। अगर मैं पूछूं कि सर हम यहाँ पे N2 का मोल्स नहीं देते आपको, गिवन में हमें मास दिया रहता, हमें मास गिवन होता कि दिस मच मास ऑफ कुछ भी आप एज्यूम कर लीजिए, एक्स ग्राम ऑफ N2 और वाई ग्राम ऑफ H2 गिवन होता, देन क्या हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके लिमिटिंग रिएजेंट निकाल सकते हैं क्या? आपको डॉट नहीं है, हमको डॉट है, बताइए। अगर हमें मोल्स के जगह पे मास दे देता क्वेश्चन में, LR निकालने के लिए ऐसे ही हम स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड करके LR निकाल सकते हैं? यस सर। नो सर, ऐसे कैसे यस सर? चलिए मैं आपको एक होमवर्क करता हूँ, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा मैं क्वेश्चन को कि करना क्या है आपको, आप लिखिए वेट के विस भी पे और आप लोग ट्राई करेंगे घर पे, ठीक है। 50 kg of N2 गैस एंड 10 kg ऑफ H2 गैस, एंड 10 kg ऑफ H2 गैस are mixed to produce NH3 gas, ammonia gas. Calculate the NH3 formed.
कैलकुलेट द NH3 फॉर्म्ड। ठीक, अब मैं क्वेश्चन को एक्सटेंड नहीं करता हूं कि ऑल्सो फाइंड द लिमिटिंग रिएजेंट, बिकॉज विदाउट फाइंडिंग द लिमिटिंग रिएजेंट आप आंसर पे पहुंच ही नहीं पाएंगे। पहले तो आपको यही निकालना होगा कि इसमें एल आर कौन सा है, और उसी एल आर के बिहा पे आप निकालेंगे कि अमोनिया कितना बन रहा है, राइट right? तो उसको मैं एक्सटेंड नहीं कर रहा हूँ क्वेश्चन को। आप देखिए आपके पास रास्ते हैं, एक तो ये रास्ता है कि सर ये जो मास है उसको पहले मोल्स में कन्वर्ट करें, फिर हम स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके फिर हम एलआर निकालें। जो अप्रोच हम पहले आपको दिखाए हैं समझाए हैं उससे आप जा सकते हैं, एक तो ये तरीका है। अब अगर मास को आप डायरेक्ट इंटरप्रेट करेंगे स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से डिवाइड करके आप एलआर निकालेंगे तो गलत होगा। ठीक, तो मास के केस में नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है, जरा समझिए इसको, कि अगर हमें N2 गैस और 3H2 गैस का इक्वेशन गिवन है, 2NH3 बन रहा है, और हमें इस बार मोल्स गिवन नहीं है सर, हमें गिवन है दिस इज 50 केजी एंड दिस इज 10 केजी। ठीक, तो अब हमें किससे डिवाइड करना है, तो इसके टोटल वेट और इसके टोटल वेट से डिवाइड करना है, और जो लोअर होगा वो एलआर होगा। मींस आपको समझ में आया, 50 को हमें इस बार 28 से डिवाइड करना है, ना कि स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट 1 से। 10 को हमें इस बार टोटल मोल ऑफ हाइड्रोजन 2 ग्राम से नहीं 6 ग्राम से डिवाइड करना है, ना कि हमें 3 मोल से डिवाइड करना है गिवन वेट। इसीलिए मैं वहां पे गिवन मोल्स लिखा था, गिवन वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट ऑफ दैट कंपोनेंट उस कंपोनेंट के टोटल वेट से आप डिवाइड करेंगे। बड़े सावधानी से इसको डिवाइड करिएगा, क्योंकि बहुत ही माइनर, आई होप जो कैलकुलेशन आएगा इसमें वो माइनर गैप होगा इस चीजों का, मतलब इसमें। अब आप देखिए कि अभी यूनिट थोड़ा सा प्रिकॉशन रखिएगा, दिस इज 10^-3, और आइदर यू टेक सर ये केजी में है तो ग्राम में कर लीजिए 10^-3, और इसको भी 10^-3। ठीक है ना, सो 28 से 50 को डिवाइड करेंगे, 10 को 6 से डिवाइड करेंगे, पॉइंट से वेरिएशन आएगा, तो कैलकुलेशन ठीक से करेंगे, फिर कंपेयर करेंगे कि कौन एलआर है, और जो एलआर होगा उसके बिहाफ पे अमाउंट ऑफ अमोनिया फाइंड आउट करेंगे। दिस इज योर होमवर्क। अब अभी हम कैलकुलेशन नहीं करेंगे क्लास में, ये आपका होमवर्क है। क्लियर? आ गया बात समझ में? एलआर क्या है, गिवन मास हो तो क्या करें, गिवन मोल्स हो तो क्या करें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम उठाते हैं टॉपिक परसेंटेज यील्ड। परसेंटेज यील्ड एक लाइन का फॉर्मूला है परसेंटेज यील्ड का, समझेंगे कि कब अप्लाई किया जाता है, किस टाइप का क्वेश्चन आता है। परसेंटेज यील्ड इज इक्वल टू एक्चुअल यील्ड ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड। मल्टीप्लाइड बाय 100। These are the formula of percentage yield. कहाँ requirement होता है, किस टाइप का questions बनता है, इस पे हम example के थ्रू ही जाएंगे। Example first है आपके पास, फैन 3.1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड OH का होल थ्रेस, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विथ is reacted with excess of HCl 6.5 gram of AlCl3 is formed. Calculate percentage it. Calculate percentage yield of product.
क्वेश्चंस के हेल्प से आप सिचुएशन समझ पाए हैं क्या है। सिचुएशन ये है सर, हम जो भी स्टोइकोमेट्रिक में स्टोइकोमेट्रिक के हेल्प से कैलकुलेशन करते हैं, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, क्या प्रैक्टिकली अगर हम उस चीजों को, उस प्रोसेस को करें, तो क्या हमें एक्चुअल में उतना ही यील्ड मिलेगा, उतना ही यील्ड मिलेगा हमें? 3.9 ग्राम AlOH का होल थ्रेस इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ 6.5 ग्राम AlCl3 इज फॉर्मड, कैलकुलेट परसेंटेज यील्ड। चिन्मयी साहू, 9.5 ग्राम आपका आंसर है, इट मे बी थ्योरेटिकल यील्ड, हम यहाँ पे परसेंटेज यील्ड पूछ रहे हैं, 9.4 ग्राम तो इसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, तो समझिए, तो क्या होगा कि सर जब आप प्रैक्टिकली, जब लैब में आप उस चीज को, लैब में या फिर इंडस्ट्रियल वे में आप लार्ज एक्सेस में आप उस चीज को बनाने का कोशिश करेंगे, तो कहीं ना कहीं प्रोसेस में क्या होगा, कुछ लॉस होगा। तो जो यील्ड हमें, आपको प्रैक्टिकली जो यील्ड मिलेगा, दैट इज कॉल्ड एक्चुअल यील्ड। अच्छा, 9.4 इज द आंसर ऑफ अबव क्वेश्चंस। ओके ओके ओके, आई विल चेक इन नेक्स्ट क्लास। आज मैं आंसर नहीं बता रहा हूँ, ये सही है गलत है क्या है, सारे लोग करेंगे, करने दीजिए। ठीक है, सो क्या है, हाँ, तो एक्चुअल यील्ड जो, वो हमारा प्रैक्टिकल यील्ड होता है। तो जो हम थियोरेटिकली कैलकुलेट कर रहे हैं कि इतना आना चाहिए था, दैट इज एक्सपेक्टेड, और जो हमें प्रैक्टिकली मिल रहा है वो तो प्रैक्टिकल वैल्यू है कि इतना अमाउंट आ रहा है। तो परसेंटेज यील्ड ये बताता है कि हमारा प्रोसेस कितना एफिशिएंट है। अगर हमारा परसेंटेज यील्ड बहुत ज्यादा आ रहा है, मींस लगभग 95% का परसेंटेज, तो हम ये बोल सकते हैं कि हमारा प्रोसेस बहुत ही इफिशियंट है। 100% तो हो ही नहीं सकता, कहीं ना कहीं कैसे भी आप डिजाइन करें मशीन को, या कैसा भी प्रोसेस आप डिजाइन करें, तो कहीं ना कहीं रिएक्टेंट का लॉस होना है, वो होगा ही, प्रैक्टिकली कहीं ना कहीं लॉस होगा ही होगा। तो 100% तो यील्ड नहीं पॉसिबल है, ऐसा हाइपोथेटिकल हो जाएगा वो चीजें, प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है। तो सर कितना एक्यूरेट कर सकते हैं आप, कितना इफिशियंट प्रोसेस आप बना सकते हैं किसी चीज को बनाने का, ताकि आपका परसेंटेज यील्ड ज्यादा आए, तो ये इसका पर्पस होता है। प्रैक्टिकली क्वेश्चन आपको ऐसे फ्रेम किया जाता है, या आपको क्वेश्चन से साफ दिख रहा होगा कि 6.5 ग्राम ऑफ AlCl3 इज फॉर्म, AlOH का होल थ्रेस को आप किसके साथ रिएक्ट कर रहे हैं क्वेश्चन में, HCl के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड बेस रिएक्शन हो रहा है, एल्युमिनियम क्लोराइड सॉल्ट बन रहा है और वाटर बन रहा है। सो 6.5 ग्राम ऑफ AlCl3 इज फॉर्म्ड, दिस इज द प्रैक्टिकल वैल्यू, दिस इज द एक्चुअल यील्ड ऑफ द प्रोसेस। तो हमें क्या करना पड़ेगा, थियोरेटिकल स्टोइकोमेट्री के हेल्प से कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर परसेंटेज निकल जाएगा। तो क्वेश्चन एक्चुअल में समझ में आया क्या है, क्वेश्चन ये है कि सर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का होल थ्रेस प्लस HCl, एसिड बेस रिएक्शन होगा, इट गिव्स AlCl3 प्लस H2। फर्स्ट बैलेंस द इक्वेशन टू अप्लाई स्टोइकोमेट्री कॉन्सेप्ट। सो AlOH का होल थ्रेस है सर, और HCl HCl3 आया है यहाँ पे, तो यहाँ तो 3 होना चाहिए। अब हाइड्रोजन ऑक्सीजन चेक कर लीजिए, 6 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 3 आना चाहिए, ऑक्सीजन 3 है, ऑक्सीजन 3 बैलेंस है, एल्युमिनियम 1 है, इक्वेशन बैलेंस। इक्वेशन कोई इशू, 1 हैलोजन, 1 एल्युमिनियम, 3 क्लोरीन, और हाइड्रोजन है आपका 3 + 3 = 6, 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 3, ऑक्सीजन 3 बैलेंस्ड। नाउ 3.9 ग्राम ऑफ एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड इज रिएक्टेड विद एक्सेस ऑफ HCl, सो इसका अमाउंट कितना दिया हुआ है, 3.9 ग्राम। और यहाँ पे LR की कॉन्सेप्ट नहीं है, क्योंकि HCl जितना रिक्वायर्ड है उतना है, एक्सेस ऑफ HCl का मतलब होता है कि HCl यहाँ पे LR नहीं हो सकता, मतलब इसी से हमको पता करना है कि AlCl3 कितना बनना चाहिए। तो क्या हम ये स्टोइकोमेट्री के हेल्प से निकाल सकते हैं क्या, 3.9 ग्राम मतलब इसका मोलर मास निकालिए, इसका मोलर मास निकालिए, और यूनिट मेथड से ग्राम में डील कर लीजिए कि इतने ग्राम में इतने AlCl3 बनते हैं, तो इतने ग्राम में कितने AlCl3 बनेंगे, दैट इज आवर थियोरेटिकल यील्ड। ओके, और 6.5 ग्राम गिवन है हमारा एक्चुअल यील्ड, बस परसेंटेज यील्ड निकाल, तो थ्योरेटिकल यील्ड हम निकालेंगे, दैट इज द क्वेश्चंस ऑफ स्टोइकोमेट्री। और उसके बाद जो एक चीज हमें, एक लाइन का फॉर्मूला यूज करना है परसेंटेज यील्ड के लिए, यही है तो क्वेश्चन, कितना हो जाएगा AlOH का होल थ्रेस का मोलर मास, मोलर मास बताइए AlOH का होल थ्रेस कितना हो जाएगा, और ये ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1, 17, 17, 3 जो
सो 78 और 33.5 ग्राम यूज कर लीजिए यूनिटी मेथड. 78 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गिव्स आफ्टर रिएक्शन गिव्स 133.5 ग्राम ऑफ AlC3. So how much gram it is given? 3.9 gram of aluminium hydroxide gives 133.5 by 78 into 3.9. After calculation, you get how much? 6.5 gram. I hope. So this is theoretical yield. What is the percentage yield? यहाँ तक तो stoichiometry है. Percentage yield का हमारे पास एक line का formula है. थियोरेटिकल यील्ड कितना गिवन था सर? 6.5 समथिंग. 6.5 ये आया है 6.75. 6.75. सो एक्चुअल यील्ड इज 6.5. थियोरेटिकल यील्ड इज 6.675 मल्टीप्लाइड बाय 100. इट कम्स टू बी ऑलमोस्ट 97.38%. वेरी एफिशिएंट प्रोसेस. मुझे प्रोसेस नहीं डील करने के लिए बोला गया है कि ये कैसे बनाया है, क्या किया है, ऐसा तो डिस्कशन है नहीं अपने पास. बट हम ये बोल सकते हैं कि अगर किसी भी प्रोसेस से जो ये बनाया है, अगर यील्ड इतना आया है, 6.5 आया है 3.9 ग्राम एलरोइस का होल थ्रेस लेने से, तो दैट प्रोसेस इज वेरी इफिशियंट बिकॉज द परसेंटेज यील्ड इज 97.38%, अप्रोक्सीमेटली 98% परसेंटेज यील्ड इज वेरी गुड. क्लियर है परसेंटेज यील्ड? याद रहे फॉर्मूला प्रैक्टिकल यील्ड एक्चुअल यील्ड डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल यील्ड व्हिच इज कैलकुलेटेड फ्रॉम स्टोइकोमेट्रिक रिलेशनशिप मल्टीप्लाइड. प्रॉब्लम आता है समझ में? बोलिए. यस सर सुमन. चलिए नेक्स्ट. ऐसा ही एक छोटा सा टर्म है हमारे पास, परसेंटेज प्योरिटी. परसेंटेज प्योरिटी, परसेंटेज प्योरिटी सिमिलर फॉर्मूला है. परसेंटेज प्योरिटी इज इक्वल टू T is equal to weight of pure substance, weight of pure substance divided by weight of impure substance, means total weight of sample, weight of impure substance divided by, that is percentage. कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इसमें? ये परसेंटेज प्योरिटी हमें कब कैलकुलेट करना पड़ता है? देखिए, अब सब्सटेंस है जिसका टोटल वेट आपको गिवन है, और क्या करेगा कि उसमें उस सब्सटेंस में जो वेट है ना, वो इम्प्योर टोटल वेट है, मतलब इम्प्योर सब्सटेंस. अब क्या करेगा कि वो उस सब्सटेंस में जो मेजर अमाउंट है, जो मेन कंपोनेंट है उस सब्सटेंस का, उसके बारे में कुछ प्रॉपर्टीज आपको मेंशन कर देगा. On the basis of that property, we can easily find out the actual amount of that substance present in the sample. तो हमें actual amount मिल जाएगा कि अगर ये properties mention है कि इतना इतना substance ये बन रहा है इसके reaction से, तो that suggest me कि sir इतना और sample का weight हमें हमेशा उससे ज़्यादा दिया रहेगा. तो इसका मतलब ये कितना percent pure है? तो हम करेंगे weight of pure substance. वो weight of pure substance हमें कहाँ से मिलेगा? तो प्योर सब्सटेंस का वेट कितना होना चाहिए वो मुझे गिवन इंफॉर्मेशन से मिलेगा. और वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब क्या है? वो टोटल सैंपल का जो वेट है, दैट इज द वेट ऑफ इम्प्योर सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय 100, यू गेट द परसेंटेज प्योरिटी. अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया है, एक एग्जांपल फिर से लीजिए आप. फेन 1.2 ग्राम ऑफ सैंपल ऑफ चॉक
of sample of chalk is strongly heated. Is strongly heated 0.4 of CO2 is produced. Okay, 0.44 gram of CO2 is produced. Calculate the percentage purity of chalk. Calculate percentage purity of chalk. क्वेश्चंस पढ़ने के बाद आपको कुछ आइडिया क्लियर हो रहा है? When this much gram of sample chalk is strongly heated, you know the formula of chalk, that is calcium carbonate CaCO3. When it is heated strongly, you get calcium oxide and CO2 carbon dioxide. Information given that 0.44 gram of CO2 is produced on heating 1.2 gram sample of chalk. अब इस इंफॉर्मेशन से 0.44 ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड, इस इंफॉर्मेशन से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाउ मच कैल्शियम कार्बोनेट इन द सैंपल, दैट इज द एक्चुअल अमाउंट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. एंड व्हाट इज द वेट ऑफ सैंपल? वेट ऑफ सैंपल इज 1.2 ग्राम. तो यहां से हम निकाल सकते हैं कि जो इम्प्योरिटी है वो कितना है. वेट ऑफ इम्प्योरिटीज हम निकाल सकते हैं, हालांकि हमें उसकी जरूरत नहीं है. यहां से हम अमाउंट ऑफ CaCO3 निकालेंगे, सैंपल का वेट गिवन है, सो अमाउंट ऑफ CaCO3 डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सैंपल मल्टीप्लाइड बाय 100 यू गिव द परसेंटेज प्योरिटी. आया क्वेश्चंस कैसे फ्रेम होता है? क्या हम इसको रिवर्सली ट्रीट कर पाएंगे इसको कि सर कार्बोनेट का मोलर मास बताइए, मोलर कैल्शियम कार्बोनेट, आई होप इट इज 100 ग्राम. काफी यूजेबल है ये सब, याद रखिए. मोलर मास ऑफ CO2 इज 44 ग्राम. वी कैन राइट कि 44 ग्राम ऑफ CO2 प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग, प्रोड्यूस्ड ऑन हीटिंग ऑफ 100 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट CO3. हाउ मच ग्राम CO2 इज प्रोड्यूस्ड हियर? 0.44 ग्राम ऑफ CO2 इज प्रोड्यूस्ड. So 100 by 44 into 0.44, correct? This is 1 gram. That means that sample contain, that is 1.2 gram sample contain 1 gram calcium carbonate. अदर जो चीज है उसमें, ये जो 0.2 ग्राम चीजें हैं वो इम्प्योरिटीज है, वो कुछ भी हो सकता है, चौक है, कैल्शियम कार्बोनेट है, मड हो सकता है, स्टीन, ये आपका सैंड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है उसमें. तो ये सैंपल में 1 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, दैट्स व्हाई ऑन हीटिंग द 1.2 ग्राम सैंपल गिव्स 0.44 ग्राम ऑफ CO2. क्या बात समझ में? सो व्हाट इज द परसेंटेज प्योरिटी? 1 by sample of weight of sample into 100. कितना आ जाएगा ये? 1.2 और 1 कितना दिया गया है सैंपल का वेट? 1.2 ग्राम. जो भी आए दैट मच परसेंटेज था. कोई प्रॉब्लम? यहां तक क्लियर है?
प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC, ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। देखिए कॉन्सेप्ट ना बहुत ही इजी है, थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत ही इजी है, बट इसका एप्लीकेशन बहुत फास्ट है, बहुत फास्ट है इसका एप्लीकेशन, और बहुत ही ऐसे क्रिटिकल जो है वो POC के हेल्प से, जिसे आप स्टोइकोमेट्री से बना ही नहीं सकते हैं, POAC के हेल्प से बड़ा ही इजिली सॉल्व हो जाता है। प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन कॉन्सेप्ट के लिए सिंपल सी बात ये बोलता है कि सर अगर किसी क्लोज कंटेनर में आप कोई रिएक्शंस को करवा रहे हैं, अगर वो रिएक्शंस मल्टीपल स्टेप से होकर गुजर रहा है, मतलब फर्स्ट थर्ड स्टेप, बहुत सारे स्टेप्स उस रिएक्शंस में हो रहे हैं, तो मैं ये बोलूंगा कि जो रिएक्टेंट में एक एटम है, रिएक्टेंट आपने जो भी लिया है, मान लीजिए KClO3 लिया है या फिर कोई भी रिएक्टेंट आपने लिया है, उसमें जो भी एक एटम को पकड़ के चलिए, अगर एटम टोटली कन्वर्ट हो रहा है, सेकेंड स्टेप में जा रहा है, फिर टोटली कन्वर्ट हो रहा है, थर्ड स्टेप में जा रहा है, फिर टोटली कन्वर्ट हो रहा है, तो रिएक्टेंट में आपने जितना लिया था ना उस एलिमेंट का नंबर, प्रोडक्ट में भी उतना ही नंबर ऑफ एलिमेंट होगा। तो सर ये तो कंजर्वेशन है ही ना, ये तो कंजर्वेशन होता ही है, क्योंकि सर किसी भी केमिकल रिएक्शन में नया एलिमेंट बनता थोड़ी है, एटम थोड़ी बनता है, एलिमेंट थोड़ी बनता है सर, वो तो केवल कंस्टिट्यूट बनता है, मॉलिक्यूल्स अलग अलग बनते हैं। तो अगर कोई मॉलिक्यूल्स आपने रिएक्टेंट में लिया है और उसमें अगर पर्टिकुलर एटम का, पर्टिकुलर एलिमेंट के एटम का इतना अमाउंट है, डैश नंबर है, एक्स नंबर ऑफ दैट एलिमेंट प्रेजेंट है उसमें, तो वो अगर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म होकर के मल्टीपल स्टेप से होते हुए प्रोडक्ट में गया है, तो उस एटम ऑफ एलिमेंट, उस एलिमेंट के एटम का नंबर नहीं बदलने वाला है। तो ये तो छोटा सा कॉन्सेप्ट है, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, POAC बोलता है कि सर नंबर ऑफ एटम्स जो है वो कंजर्व रहता है थ्रू आउट द रिएक्शंस। बढ़िया, ये चीज तो करने में बड़ा इजी है ना, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, आसान सा कॉन्सेप्ट है सर, कि कोई एटम, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन जो है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन पे ही बेस्ड है सर, कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर मास कंजर्व होगा एटम का, तो नंबर ऑफ मोल्स भी कंजर्व होंगे, और अगर नंबर ऑफ मोल्स कंजर्व होंगे तो नंबर ऑफ एटम्स भी कंजर्व होगा। दैट्स इट, इतना ही है प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, बट एप्लीकेशन बहुत फास्ट है सर, और बहुत ही डिफरेंट वे में इसमें क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, जिसको हम लोग बहुत सारे, इसमें हमें 3-4-5 क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, 3-4-5 क्वेश्चंस हमें करने पड़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन में, क्योंकि थ्योरी बस इतना ही है। अब इसमें हम किसी भी पर्टिकुलर आइटम पे कैसे अप्लाई करते हैं, कोई कंपाउंड हमें गिवन है, उसका डिसोसिएशन का इक्वेशन है, या बर्निंग का इक्वेशन है, या कॉम्बिनेशन का इक्वेशन है, तो उसमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम कैसे POAC को अप्लाई करते हैं, और उसके बाद किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं, और उसमें कैसे हम POAC पे प्रोसीड करते हैं, तो ये चीज हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। POAC ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। वी हैव 5 मिनट, तो हम लोग ये लिख लेते हैं, POAC का एक इंट्रो लाइन जरूर लिख लेते हैं, POAC बेस्ड ऑन कंजर्वेशन ऑफ मास। Based on conservation of mass, right? Based on conservation of mass in a chemical change, in a chemical change, if mass is conserved, if mass is conserved, moles and numbers of atoms, moles and number of atoms also conserved. Correct? तो इतना सा concept है principle of atomic conservation का। एप्लीकेशन फास्ट है, देखेंगे किसी पर्टिकुलर आइटम पे कैसे हम POAC अप्लाई करते हैं नेक्स्ट क्लास में, और कैसे इसको, कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं इस पे, कुछ एग्जांपल क्वेश्चन देखेंगे। अगर आपके पास कुछ अवेलेबल होगा मटेरियल, तो वहां से आप पहले देख सकते हैं, अदरवाइज जो भी हम आपको परसेंटेज प्योरिटी फील्ड और स्टोइकोमेट्री पे रिलेटेड मीन्स लिमिटिंग रिएजेंट पे बेस्ड कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे रेफरेंस बुक में, उसको सॉल्व करिएगा, कोई प्रॉब्लम हो व्हाट्सअप करिएगा। डन है यहां तक? लिख लिए सब लोग?
ओके।